डोंगरगढ़ पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। इसी क्रम में अवैध शराब परिवहन पर डोंगरगढ़ पुलिस को कार्रवाई करने में सफलता मिली है। डोंगरगढ़ पुलिस को सूचना मिली कि महाराष्ट्र बॉर्डर के रास्ते से बोरतलाव होते हुए चार पहिया वाहन में किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। अवैध शराब तस्करी की सूचना पर डोंगरगढ़ और बोरतलाव थाना प्रभारी द्वारा घेराबंदी और नाकाबंदी कर वाहनों का खरकोटाला पुल चंदन रिसोर्ट के सामने चेक पोस्ट लगाकर चेकिंग किया जा रहा था। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन टाटा इंडिगो में 12 पेटी गोवा शराब और 6 पेटी बियर मिला। पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा कोई वैधानिक जवाब नहीं दिया गया। 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया, जहाँ से सभी को जेल भेजा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लगातार आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में आज सूचना मिले था कि महाराष्ट्र बॉर्डर से एक वाहन में शराब आ रहा है अवैध रूप से, जिस पर थाना डोंगरगढ़ पुलिस के द्वारा चेकिंग पॉइंट लगाया गया था। चेकिंग के दौरान एक वाहन मिली जिसमें अवैध रूप से शराब रखा हुआ था और उसमें दो आरोपी थे जो महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे, जिनके शराब रखने के संबंध में उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने किसी प्रकार का अवैध दस्तावेज नहीं पेश किया। उक्त आरोपियों का कृत्य आबकारी एक्ट के तहत आने पर उनके खिलाफ 34(2) आबकारी एक्ट कायम करके विवेचना में लिया गया। उक्त आरोपियों का आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया था, जहाँ पे वारंट प्राप्त